अरे छोटे सर्कल सर बता ना, तू उस दिन आया था एक डाउट लेके यार, मैं बता नहीं पाया, बता अभी बता जल्दी पूछ। कुछ नहीं बताया तो। अरे पूछा अभी, नहीं तो देख बाद में आएगा तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा भैया। ये था उसमें ये देखता हूँ तो। अरे क्या यार कितना इजी है, देख एक्स को कॉमन ले ले, और ये सिर्फ सुन रहे ना। हाँ तो देख एक्स को कॉमन ले ले और ये नंबर्स आ जाएंगे, तो ये नंबर्स के साथ क्या सोच रहा है? कुछ नहीं बोलो। नहीं बता क्या सोच रहे, बता। नहीं बता यार अभी बता भैया, मुझे ठाकुर जी समझ में ही नहीं आते। अरे क्या यार, ठाकुर समझने की बात है ही नहीं, उसमें दिमाग ही मत लगा, ठाकुर जो बोल रहे बस उसको फॉलो कर, ठाकुर बोल रहे फॉलो कर, समझ दिमाग लगाना ही नहीं है, वो बोल रहे फॉलो करना है। लेकिन भैया ये ठाकुर जी क्या बोलते है, अर्थ मान यश इसमें कुछ तो लिखा है इस सत्यानुसरण में, वो क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। वो छोड़ जाने दे, मैंने ना एक स्टोरी लिखा है, उसका एंड ही नहीं पता चल रहा है, उसका एंड करेगा क्या प्लीज यार। भैया आप टॉपिक पे आओ, टॉपिक बिल्कुल भी मत चेंज करो। अरे छोड़ना यार, बता ना स्टोरी बताता हूँ मैं, उसका एंड बता यार प्लीज। तो एक ऐसा होता है कि एक बच्चा रहता है वो शायद 6th में, तो वो मार्क्स सही रहते हैं उसके, एक क्लास टेस्ट रहता है, तो भगवान से बोलता है भगवान मैं आपकी आरती करता हूँ, भगवान मुझे ना 20 मार्क्स दे दो भगवान प्लीज इस क्लास टेस्ट में। तो भगवान उसको मिल जाते हैं, वो खुश हो जाता है, फिर बोलता है भगवान इस सेमेस्टर में मुझे 80 मार्क्स फुल मार्क्स दे दो भगवान प्लीज, उसको वो भी मिल जाते हैं, मिल जाते हैं, वैसे उसकी आदत हो जाती है, आदत हो जाती है। तो बड़ा होता है, बड़ा होता है बोलता है भगवान एक बंगला दे दो भगवान, एक बड़ा सा बंगला दे दो, मैं आपके लिए व्रत करता हूँ, रोज सोमवार को व्रत रखूंगा। तो वो करता है, फिर उसको बोलता है, उसको बंगला भी मिल जाता है, फिर बोलता है भगवान एक बड़ी गाड़ी अच्छी सी गाड़ी दे दो भगवान, मैं नारियल फोड़ूंगा आपको, आरती करूंगा रोज, अगरबत्ती वगैरह लगाऊंगा। वो फिर वो भी आ जाता, वो भी गाड़ी दे देते उसको, फिर बोलता है भगवान एक फैमिली होती तो बहुत अच्छे से हो जाता, तो बीवी बच्चे सब आ जाते हैं, फिर बोलता है भगवान ये पेट्रोल खत्म हो जाता है गाड़ी का, मुझे एक पेट्रोल पंप मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाता, तो पेट्रोल पंप मिल जाता है, वैसे मांगते रहता है। इसका एंड कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे इसका एंड ही नहीं होगा, क्या है मतलब, आप मुझे वो दो मैं आपको ये दूंगा, आप मुझे ये करो मैं आपको ये करूंगा, मतलब एक ये कंडीशनल हो गया है, इस कंडीशन पर ही मैं इस आप मैं ये कंडीशन करूंगा फिर आप मुझे ये दो, तो ही बोल रहा ना, तो एक कंडीशनल लव हो गया। तो लेकिन ठाकुर जी क्या चाहते हैं हमसे, एक प्रेम एक लव, ठाकुर जी हमें एक लव चाहते हैं। तो देख अभी हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और मम्मी उधर खाना बना रहे, तो हम बताएंगे मम्मी हमारे लिए खाना बना, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम बताएंगे नहीं, मम्मी तो खुद करेगी। हम अपने पापा को पिता से हम लोग जाके बोलेंगे भगवान पापा कल लास्ट डेट है हमारे फीस भरने का और आप फीस भर दो जल्दी से, बताएंगे आप नहीं, वो तो खुद करेंगे, ये तो इस जन्म के हमारे पिता है। लेकिन ठाकुर क्या है, वो तो परम पिता है, तो उनको हमें बताने की जरूरत है भगवान हमारे लिए ये करो भगवान हमारे लिए वो करो, नहीं उन्होंने सब प्लान करके रखा पहले से, उनके दिमाग में रेडी है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, फिर क्या करेंगे हमारे साथ। तो अगर समझ कि अगर वो बच्चा था और ठाकुर जी ने उसको प्लान करके रखा रहेगा कि इसको मैं एकदम अच्छा साइंटिस्ट बनाऊंगा, एकदम अच्छे से वो इतना अच्छा रिसर्च करेगा, लेकिन उसने क्या मांगा, मुझे एक गाड़ी दे दो बंगला दे दो और एक पेट्रोल पंप दे दो, इसमें ठाकुर जी ने क्या कहते हैं, अरे ये मांग रहा है इसको मैं दे देता हूँ, तो क्या हो गया, वो उसका इतना अच्छा चला गया, ठाकुर जी ने इतना अच्छा प्लान किया था उसके लिए लेकिन वो चला गया, क्यों, क्योंकि हमने कुछ तो मांगा उनसे। तो हमें कुछ मांगना नहीं है, हमें बस क्या करना है, एक भक्ति भक्ति दो, क्योंकि बाकी सब तो वो करने ही वाले हैं, पापा भी हमारे लिए सब करते हैं लेकिन हमें बताते कुछ नहीं, मम्मी भी हमारे सब करते हैं लेकिन कुछ बताती नहीं है, तो भगवान भी ऐसे उन्होंने पास सब प्लान किया हुआ है लेकिन हमें बताने की कुछ जरूरत नहीं है, उन्हें वो खुद कर लेंगे, बस हमें क्या चाहिए, बस आपका प्रेम और आपकी भक्ति दे दो, बस उससे एकदम सब हो जाएगा। बता फिर तू क्या सीखा क्या इससे फिर बता। हाँ मैं बता, मैं मुझे ये पता चला कि अर्थ मान यश इत्यादि प्राप्त करण्याच्या आशेने मला ठाकूर बनून भक्त बनू नकोस, सावध हो फसशील, तुझ्यातले ठाकूरत्व जागृत झाले नाही तर तुझे केंद्र ही नाही आणि ठाकूर ही नाही,
धोखा दोगे लास धोखा छोड़े। थैंक यू हर्षल भैया, मुझे पता चला। हाँ तो ठाकुर जी ने क्या बोला है, अपने अंदर का ठाकुरत्व जागृत करो। क्यों? क्योंकि देख, अगर वो बच्चा मांग रहा था, वो आदमी मांग रहा था सब, अगर देख अगर वो खुद ही भगवान होता तो मांगने की जरूरत थी उसको? नहीं, क्योंकि भगवान खुद रहता तो उसको सब ऑटोमेटिकली वो खुद कर लेता था। तो ठाकुर जी ने बोला क्या, अपने अंदर का ठाकुरत्व जागृत करो। ठाकुरत्व मतलब क्या, ठाकुर को पहचानो, अपने अंदर भी एक ठाकुर होता है उसको पहचानो। तो इसलिए ठाकुर जी ने बोला अर्थमान यश इत्यादि प्राप्त करने के लिए मेरे पास मत आओ। तो जय गुरु, जय सुदर्शना, जय जय श्री सुदर्शना।